आई लव टॉकिंग. मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है. पैशन है मेरा बात करना. आई समटाइम्स गेट एक्साइटेड जब कस्टमर केयर का फोन आता ना मेरे को. खुद तो नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ कुछ मैं, मगर तुम्हारे मन के अंदर एक आवाज होती जो कहती बकचोदी करके देख. हेलो सर, मैं नितिन बात कर रहा हूँ एयरटेल से. या नितिन बाबा बता, तेरे टावर आते हैं? ही शुड गेट कंफ्यूज. अबे कस्टमर केयर को लग गया नंबर. Talkative men have serious life issues. For talkative men, relationships are tougher. क्योंकि मेरे रिलेशन में मैं अपनी बंदी से ज्यादा बात करता था. She got so fed up, डायरेक्टली बोल दिया जसप्रीत मेरे को फोन मत किया कर यार. तो मेरे को व्हाट्सएप ही कर दिया कर. मैं कहा ठीक है, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेजने शुरू कर दी. बातें करना बेस्ट है यार, बट लोगों में समझते नहीं. आई लव टॉकिंग बट देयर इज अ थिंग दैट आई एम नॉट गुड एट, दैट इज स्मॉल टॉक. लाइक लोग सवाल पूछ लेते हैं जस्ट टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. इसको पूछ लेते, इसको पता होगा. मेरे घर के बाहर क्लियरली लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग. फिर भी लोग ना आगे पूछे भाई तेरे में कुत्ता है. मैं कहा पागल है क्या बात है? कुत्ता में? नहीं नहीं नहीं, ये घर के लिए थोड़ी लिखवा है, ये तो लाइफ के लिए लिखवा है. कि जिंदगी में जहां मिले. इनफैक्ट इसमें कुत्ता मेटाफर है. ये हमारा नोटिस बोर्ड है, यहां पे हम थॉट ऑफ द डे लिखते हैं. सवाल ही पूछ रहे लोग. People are stupid. Some people take it to the next level. They are the people who call you on your phone and ask you, "Bhai sab kaun bol rahe ho?" And I'm like, "Main samay hoon. Bhootani ke tu kaun?" People are stupid. Aap, main, hum sab, all of us, hum sab stupid. Magar hamari stupidity mein bhi choices hain. Like kuch baatein maan lete turant, aise. Aur kuch baatein nahi maante, wo bhi aise. Like my favorite hero is Sunny Deol. हमारी बिरादरी में काफी कॉमन है. तो देखो एक मूवी में दिखाया वो ना हैंडपंप उखाड़ ले, लोग कहते ओह ये तो नकली है, फेक है. आई एम लाइक राइट, इंटेलिजेंट ऑडियंस. दूसरी मूवी में दिखाया उसको 25 गोले लगाते मरता नहीं, लोग कहते ओह ये तो नकली है. आई एम लाइक राइट, इंटेलिजेंट ऑडियंस. तीसरी मूवी में दिखाया वो ना बाल्टी शराब पी लेते, लोग कहते हाँ पंजाबी तो होते ही ऐसे. मैं जब पंजाब से दिल्ली आया था यहाँ के रियलाइज हुआ दुनिया को लगता है हम लोग ना पी ही रहे हैं ऑल द टाइम. एंड ऑनेस्टली आई एम ओके विद इट. आई जस्ट वॉन्ट, जितना तुम लोगों को लगता है काश हमारे घरों में उतना चिल माहौल होता. काश घर में कोई डैडी बोल रहे हैं और बेटा आ गए पापा तकाओ बकवास ना करो पैग बनाओ पैं. बेटा पानी तो पी लो. नहीं पापा सिर्फ थोड़ा, सिर्फ थोड़ा. घर से निकले माँ आवाज दे रही, अरे बेटा अपनी बियर तो फिनिश करके जाते. क्या घटिया स्टीरियोटाइप है हमारे बारे में. आई एम ओके विद द स्टीरियोटाइप, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. आई एम टू कूल फॉर लाइफ. में आई जस्ट हेटेड व्हेन लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस ऑन स्टीरियोटाइप्स. तुम सोचो कोई दिक्कत नहीं, बाहर खड़ा पुलिस वाला सोचे बहुत दिक्कत है. मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी पता कितनी फटी रहती है ड्राइविंग इन गुड़गांव. मेरा गुड़गांव में एक बार सुबह 11 बजे ड्रंक ड्राइविंग टेस्ट हुआ मोटरसाइकिल पे. वो भी जब मैं पंक्चर मोटरसाइकिल घसीट रहा था ना अपनी, वो कहीं भी लेके आया था भाई साहब फूक मारो. एक बार मैं चला भी रहा था, मैं दोस्ती गाड़ी की पिछली सीट पे था यार. कह भाई साहब फूक मारो, मैं कह मैं तो चला भी रहा. कह रहा तुम्हारा कोई यकीन नहीं. कैसा स्टीरियोटाइप है. मेरे को लगा नॉर्थ इंडिया में नहीं. आई रिसेंटली वेंट टू केरला, वहाँ मैंने गाड़ी हायर करी. आई वाज ड्राइविंग इट, बाहर को लेकर भाई साहब फूक मारो. मैं कह नहीं पी रखी. कह रहे अच्छा वो बोर्ड पे लिखा पढ़ के बताना. मैं कह वो नहीं पढ़ा, देखा पी रखी. भूतनी के मलयाली. मैं दिल्ली में गाड़ी लेकर निकला हूँ, मेरी चेकिंग होनी ही होनी है. दे आर स्टॉपिंग पीपल रैंडमली, और रैंडम में मैं हमेशा पकड़ा जा रहा हूँ. मेरे को समझ नहीं आया साले पहचान कैसे रहे हैं मेरे को. वो सड़क पे मेले ही खड़े, ओ पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे. एंड माय थिंग इज व्हेनेवर आई एम ड्राइविंग आई एम ऑलवेज सोबर, आई नेवर ड्रिंक व्हेन आई ड्राइव. तो अभी आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग विद देयर माइंड.
तो मैंने बोला ये बैरिकेड आई स्टार्टिंग टू थ्री थिंग. पहली चीज मैं खोलता हूँ गाड़ी के शीशे, फिर ऊंची आवाज में सबसे फुकरा गाना, फिर होती है शर्ट फोल्ड, फिर जाता हाथ और मुंडी बाहर, ये मैन कम ऑन आहा ओहो पिंड पे सारा गैंगलैंड बने ओहो आहा ये मैन दे लाइक ओहो लक्ष्मी चल के आ रही है चल के आ रही है. सर फूक मारो कुछ नहीं मिला हाहा उनके चेहरे पे 150 के नुकसान की फीलिंग भाई साहब प्राइस. मेरे को दिल्ली आए 8 साल हो चुके हैं. आई केम टू दिल्ली फॉर माय जॉब एंड लाइक तुम नई सिटी में जाते हो लाइक ये सिटी मेरी सिटी डिफरेंट है बिकॉज एवरी सिटी इज अ कल्चर एवरी सिटी इज अ फ्लेवर. तुम जाते हो तुम्हें लगता है इस सिटी के बारे में मुझे कुछ सीखना है कुछ जानना है कुछ लर्न करना है. तो मैं तो दिल्ली आया था ना आई वॉज ओके विद एवरीथिंग एल्स बहुत अच्छी सिटी है मैं काफी जल्दी एडजस्ट हो गया था बट देर वॉज वन थिंग आई वॉज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब समझ ही नहीं आ रही थी और वो थी दिल्ली की गालियाँ. वो अपनेपन वाली फील नहीं यार यहाँ पे लोग ना बड़ी छोटी छोटी गाली देते सिंगल सिंगल वर्ड की गाली सिंगल एटॉमिक लेवल की गाली. यहाँ आई कम फ्रॉम प्लेस 4 वर्ड की होती मारे लाइक तेरी एक्स का वाई वेर एक्स इज रिलेटिव एंड वाई इज अ बॉडी पार्ट. हमारी गाली इतनी बड़ी है तुम ब्रेक डाउन करोगे ना एक नाउन है एक प्रोनाउन है एक प्रेपोजिशन भी है. तुम्हारी गाली गाली हमारी व्याकरण है पूरी. और मैं दिल्ली आया मेरे को हिंदी वाली गाली समझ नहीं आ रही थी. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड समवन शाउटेड अबे चूतिए. मेरे को लगा उनकी काउंटिंग है प्रथम द्वितीय तृतीय चूतिए. मगर जब आया था ना बहुत शरीफ आदमी था मैं बहुत शरीफ आदमी किसी को गाली नहीं देता था मोस्टली सुनता ही था कोई गाली गलौज नहीं कोई झगड़ा नहीं किसी को कुछ नहीं कहता था. बट एवरीथिंग चेंज्ड वन डे एंड दैट वाज द डे आई बॉट अ कार इन दिल्ली. दुनिया इतनी मदर लोगों को तमीज नहीं है. मेरे बंदे को डिपर मारा उसने मुझे डिपर मार दिया. लोगों को लग रहा महाभारत चल रही है तीर से तीर कैंसिल हो जाएंगे. कोई गलती मानता नहीं यहां पे हर बंदा डिफेंसिव. रेड लाइट पे बैठो गाड़ी में अपनी पीछे से एक बंदा आया उसने बाइक ठोक दी राइट वाले टेल लैंप में और खुद ही गिर गया. मैं गुस्से से बाहर आया तो पहले मैं कुछ बोलता डिफेंड करा ऐसे का देख रहा मेरी तरफ. तेरा नुकसान हुआ तो मेरा भी नुकसान हुआ. मेरा इंडिकेटर नहीं चल रहा. मैं कहा तेरा चल नहीं रहा मेरे यहां पे हुआ करता था. इतना गुस्सा आ कहां तेरा लोगों में यार. मेरी बहुत बेसिक प्रॉब्लम है रोड रेज से एंड दैट इज हाउ कैन यू फाइट विद स्ट्रेंजर्स ऑन द रोड. अनजान लोगों से कैसे लड़ सकते हो. अभी मिले उसको अभी यू निकली गाड़ी लड़ कह सकते. माय प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट फाइट विद स्ट्रेंजर्स आई नीड टू नो द पर्सन आई नीड टू नो द इनसिक्योरिटीज. तो मैं लाइफ में तेरा बड़े भाई से लड़ूंगा क्योंकि जानता हूं उसको मैं. मेरा बड़ा भाई छाती बैठ के मुक्के मुक्का पेल रहा मेरे को और मैं बीच में बोल रहा था तेरे मैथ में 11 नंबर आए थे. आई नीड टू नो द पर्सन. यहां लोग अनजान लोगों से लड़ रहे हैं. दो गाड़ियां ठुकी नुकसान नहीं हुआ मगर टाइम काफी था. लोग सड़क पे शर्म लड़ रहे हैं छुट्टी वुट्टी लेके ऑफिस से लड़ रहे हैं ऐसे. एंड एवरीबडी ऑन द रोड वॉज गेटिंग इरिटेटेड बट आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्टेड गेटिंग एंटरटेन. क्योंकि दिल्ली में सड़क पे कोई लड़ाई देखो यू रियलाइज द सेकंड पर्सन इज फॉर्मिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट पर्सन सेंटेंस. लाइक साहब तुमने गाड़ी ठोक दी तो जान से ब्रेक लगाई तो मौत पड़ती मौत के बाद यही गाड़ दो गाड़ गए देखा चूड़ियां पहन रखी है क्या. अंताक्षरी विद एग्रेशन. और हर लड़ाई की जड़ है लैंग्वेज. हर लड़ाई की जड़ लैंग्वेज. देखो होता क्या दो लोगों की लड़ाई होती है एक बंदे को पता मेरी गलती है मैं बोलूंगा मैं पिटूंगा वो चुप करके बैठा हुआ है मगर दूसरा बंदा गाली देता फिर उसको गुस्सा आता फिर ये गाली देता फिर होती है लड़ाई. प्रॉब्लम कहाँ आती है लैंग्वेज. आई फील दिल्ली पुलिस नीड्स टू कम विद अ न्यू लॉ
कि सड़क पे जब भी लड़ाई होगी यू हैव टू फाइट इन उर्दू. इतनी पेशेंस कहाँ हम लोगों में. दो गाड़ी तो बाहर निकल रहे हो, अरे भाई जान ये दोनों के दरमियान क्या तारुफ करवाया. सारा प्रेशर अगले आदमी पे. ओ पैंचोस की पोएट्री बनानी पड़ेगी. वो आगे से राइम करा, अरे वो देखिए आसमान में चांद निकला है, एंड द ऑडियंस गोज ओहो बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला. मैं बहुत शरीफ आदमी से दबाया था यहाँ पे. अब देख रहे मेरे हाल. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, किसी कुछ नहीं कहता था, बट नाउ टेबल्स हैव टर्न. अब मैंने सीख लिया गालियाँ, अब नहीं छोड़ता मैं किसी. नाउ व्हेनेवर समवन बिहेव्स स्टूपिडली ऑन रोड आई मेक श्योर आई डू टू थिंग्स. पहली चीज मैं देता हूँ सबसे करारे वाली गाली, सबसे टॉप शेल्फ गाली उसे मुंह पे ये ले, लाइक तेरी एक्स स्क्वायर का वाई क्यूब, दो रिलेटिव तीन बॉडी पार्ट. घर जाके वो सोचे इतने होते भी हैं. एंड सेकेंडली आई मेक श्योर के गाड़ी के शीशे बंद है, क्योंकि सड़क पे चपेड़े खाए कौन. क्योंकि दिल्ली में है बहुत गुस्सा, कसम से बता रहा हूँ. दो गाड़ी टुकी, तीन लौंडे निकले, एक ने बैट, एक ने हॉकी, एक ने स्लगर पकड़ा, और मैं सोच रहा हूँ भैंचो गेम कौन सी खेल के आए ये लोग.